हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं श्री आशीष गुप्ता। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 ऑफ FYGC अकाउंट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 8 ऑफ FYGC अकाउंट्स, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जर्नल एंट्रीज आना चाहिए कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये चैप्टर नहीं समझेगा। तो एक चीज़ आपको मन में बैठा लेना है कि आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में कवर कर दिया था। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली आप आई बटन पर प्रेस करके वो हमारा वो वीडियो देख सकते हो। तो पहली चीज़ हमने समझ ली कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमारा जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंटेंट्स ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें हम लोग सबसे पहले मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे एरर्स का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि कैसे हम लोग एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग के बारे में बात करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एरर का मतलब लेंगे। एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो एरर मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एरर मतलब मिस्टेक्स, या तो आप बोल सकते हो गलती। तो एरर्स का मतलब क्या होता है, जो भी आप अकाउंट्स में गलती करते हो, मिस्टेक्स करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उस एरर्स को ठीक करना या तो उसे सुधारना। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसे करेक्ट करना, या तो आप बोल सकते हो उसे सुधारना, या तो आप बोल सकते हो उसे ठीक करना। तो ये हमने समझा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब, जहाँ पर हमने देखा एरर्स का मतलब होता है, एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक, या तो आप बोल सकते हो गलतियाँ। और उसके बाद हमने देखा रेक्टिफिकेशन का मतलब, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उस गलती को सुधारना, या तो आप बोल सकते हो उसे करेक्ट करना। तो ये हमने सबसे पहले मीनिंग कवर कर लिया, हमने देख लिया मीनिंग का, यहाँ पे हमने सबसे पहला मीनिंग समझ लिया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है। तो जनरली जब कभी हम लोग अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय में क्या होता है, हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कौन करता है, हम जैसे लोग जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से है, तो जाहिर सी बात है कि भाई हम भी इंसान हैं, तो हमसे भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो जब कभी भी हम लोग ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एरर्स। तो इस गलती को हम लोग कैसे सुधारेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे हमने समझ लिया पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हमने जो भी अकाउंट्स में गलती की है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो उसी गलती को हम लोग कैसे सुधारेंगे, उसी का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे हमने पर्पस भी देख लिया, इस चैप्टर का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला मीनिंग देख लिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब समझ लिया, फिर उसके बाद हमने पर्पस समझ लिया इस चैप्टर के पीछे हमारा पर्पस क्या है। फिर अभी हम समझेंगे हमसे कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कौन से स्टेज पर गलती हो सकती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का पूरा साइकिल बता देता हूँ कि कैसे अकाउंटिंग का साइकिल होता है। अकाउंटिंग का हम लोग सबसे पहले साइकिल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल में, सबसे पहले स्टेज पे क्या होता है, सबसे पहले स्टेज पे वो ट्रांजैक्शन ऑकर होता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं सबसे पहले स्टेज पे क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन ऑकर होता है। तो जैसे आपका सेल्स हो गया, परचेज हो गया, तो सबसे पहले स्टेज पे क्या होगा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन ऑकर होगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑकर होने के बाद उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, जैसे आपका सेल्स इनवॉइस हो गया, परचेस इनवॉइस हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सारे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर जैसे हमने उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर ली, फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे लेजर्स में हम लोग उसकी पोस्टिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसे लेजर्स में उसकी पोस्टिंग करते हैं। फिर लेजर में पोस्टिंग करने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक पूरा स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके जो भी लेजर्स है उसके जो भी आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो सारे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस में आपका यहाँ पे दो कॉलम्स होंगे, सबसे पहला होगा ये आपका डेबिट कॉलम और यहाँ पे आपका होगा क्रेडिट बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके होंगे सारे लेजर्स। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो आपके क्लोजिंग है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके ट्रायल बैलेंस में उसे रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो आपका डेबिट साइड का कॉलम है उसका टोटल आपके क्रेडिट साइड के कॉलम से मैच होगा,
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और जो भी आपके लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस, उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम लोग उसकी पोस्टिंग कर देते हैं और इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज होता है जहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद आपका बैलेंस शीट, जो कि जिसे हम लोग फाइनेंशियल्स भी बोलते हैं, इन चीज़ों को हम लोग फाइनेंशियल्स भी बोलते हैं। तो जनरली इस तरीके से आपका अकाउंटिंग साइकिल फ्लो होता है। सबसे पहले स्टेज पे आपका ट्रांजैक्शन ऑकर होता है, उसके बाद उसकी सोर्स डॉक्यूमेंट बनती है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लोग उसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर में ट्रांसफर करने के बाद जो भी आपके लेजर के क्लोजिंग बैलेंस डेबिट या तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उसे हम लोग समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद आपका बनता है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आपका जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल है, इस तरीके से आपका अकाउंटिंग साइकिल पूरा बनता है। तो अभी हम बात करेंगे कहाँ हमसे गलती हो सकती है, कौन से स्टेजेस में हमसे गलती हो सकती है। तो जनरली हमारी गलती कहाँ कहाँ होती है मैं आपको बता दूँ। जनरली हमारी जो मिस्टेक्स है, एरर्स है, वो इस स्टेज पे होती है जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग स्टेज। ये क्या होगा, आपका रिकॉर्डिंग स्टेज जहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो, फिर उसके बाद उस जर्नल की आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। तो ये जो आपका स्टेज है जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज पे एरर्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, या तो आप बोल सकते हो मोस्टली इसी स्टेज पे आपके एरर्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इस स्टेज पे जो भी हमने एरर्स किए, वो सारे एरर्स को हमको आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमारे एरर्स कहाँ पे हो सकते हैं, गलती हमसे कहाँ पे हो सकती है। सबसे पहला होगा कि आपने जर्नल एंट्री पास करते समय कोई गलती कर दी, या तो हो सकता है आपने जर्नल एंट्री सही पास की लेकिन आप उसे लेजर में पोस्टिंग करते समय आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने गलत अमाउंट डाल दिया, या तो आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दिया, डेबिट साइड का आइटम आपने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया, तो ये स्टेज पे आपकी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो हमने देख लिया कि कौन से स्टेजेस पे आपकी गलती होती है, तो ये हमने समझ लिया स्टेजेस, कौन से स्टेजेस पे आपकी गलती होती है, या तो आप बोल सकते हो कौन से स्टेजेस पे एरर्स होते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी गलती हम लोग कर सकते हैं इस स्टेज पे, कौन से एरर्स होते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो जितने भी जनरली जो अकाउंट्स में जो भी एरर्स होते हैं उसे हम लोग जनरली चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम समझेंगे कौन से कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी आपके एरर्स है उसे हम लोग ने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और हम लोग एक एक करके समझेंगे कौन से एरर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ एरर्स दिया गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। तो सबसे पहला एरर का टाइप होता है एरर ऑफ ओमिशन। सबसे पहला हमारा एरर है एरर ऑफ ओमिशन, और दूसरा है आपका एरर ऑफ कमीशन, तीसरा है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट में है आपका कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये जनरली चार टाइप के एरर्स है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कौन से एरर्स है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी हमारा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ओमिशन का मतलब समझते हैं। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना या तो छूट जाना, कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना छूट जाना। तो ओमिशन का अगर सिंपल मीनिंग में आपको समझाओ, ओमिशन का मतलब भूल जाना या तो छूट जाना, आप बोल सकते हो या तो छूट जाना। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आप क्या होता है कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, या तो कोई ट्रांजेक्शन आपसे रिकॉर्ड करना रह जाता है, तो उसी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एरर ऑफ ओमिशन में। तो जनरली एरर ऑफ ओमिशन में दो तरीके के एरर्स आते हैं। सबसे पहला होता है आपका कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होता है आपका पार्शियल ओमिशन। तो जनरली एरर ऑफ ओमिशन में दो कैटेगरीज होती है। सबसे पहला होता है आपका कंप्लीट ओमिशन और दूसरा होता है आपका पार्शियल ओमिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि नाम में ही बताया गया है कंप्लीट ओमिशन, तो इसमें क्या होता है, आप कोई ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। सपोज कीजिए आपने कस्टमर मिस्टर रमेश को गुड्स बेचा 10,000 रुपये का, तो इसमें क्या हो गया, आप उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए अपने बुक्स में। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कंप्लीट ओमिशन। इसमें आपने वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ओमिशन का एरर। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं पार्शियल ओमिशन के बारे में। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, जैसे नाम में ही दिया पार्शियल ओमिशन, तो इसमें क्या होता है, आप ट्रांजैक्शंस को आधा अधूरा रिकॉर्ड कर देते हैं। सपोज कीजिए आपने एक कस्टमर है आपका मिस्टर सूरज को आपने गुड्स बेचा 25,000 का, तो जनरली, और ये आपने क्रेडिट में बेचा, ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप गुड्स बेचोगे सूरज को क्रेडिट में, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दो जगह पे रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहला आपके ये सेल्स में चले जाएगा और दूसरा ये सूरज के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो इसकी हम लोग क्या नॉर्मली जनरल एंट्री पास करते हैं, सूरज अकाउंट डेबिट 25,000 टू आपका सेल्स हो गया, आपका यहाँ पे 25,000
तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली आप यहाँ पे आपका दो इफेक्ट आना चाहिए, एक तो सूरज के डेबिट साइड में आप 25,000 रिकॉर्ड करोगे और आपके सेल्स में 25,000 रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सपोज कीजिए आपने सिर्फ सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया 25,000, लेकिन आपने सूरज के अकाउंट में 25,000 नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने एक एक इफेक्ट तो दे दिया लेकिन दूसरा इफेक्ट आपने नहीं दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन, या तो आप बोल सकते हो आपने इसकी जनरल एंट्री पास कर दी लेकिन आप इसे लेजर में पोस्ट करना भूल गए। तो ये हो गया आपका पार्शियल ओमिशन, जिसमें हम लोग खाली एक ही इफेक्ट दे रहे थे और दूसरा इफेक्ट देने को हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, जैसा नाम में ही दिया पार्शियल, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पार्टली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा सबसे पहला कैटेगरी एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का हमने मतलब देखा, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना या तो छूट जाना। तो ये सबसे पहला कैटेगरी हमने कवर कर दिया एरर ऑफ ओमिशन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला एरर ले लिया एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हमने देखा दो कैटेगरी, सबसे पहला होगा आपका कंप्लीट ओमिशन, जिसमें आप कंप्लीटली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, और दूसरा है आपका पार्शियल ओमिशन, जिसमें आप खाली एक ही इफेक्ट दे देते हो बुक्स में और दूसरा इफेक्ट आप देने को भूल जाते हो। तो ये हमने देखा एरर ऑफ ओमिशन का दोनों कैटेगरीज। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ एरर है, जिसका नाम है एरर ऑफ कमीशन। तो जनरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो भी मिस्टेक्स होती है, एरर्स होती है, वो जनरली इसी कैटेगरी में होती है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एरर ऑफ कमीशन में कौन कौन सी गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर ऑफ कमीशन में जनरली चार तरीके की गलती होती है। सबसे पहला होता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा है आपका एरर ऑफ कास्टिंग, तीसरा है आपका एरर ऑफ कैरिंग, और चौथा है आपका एरर ऑफ पोस्टिंग। तो जनरली यहाँ पे चार तरीके की गलती आती है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे इसमें एरर ऑफ कमीशन में कौन कौन सी गलतियाँ आती है, कौन कौन से एरर्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लिया गया है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या होता है, सपोज आपको कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना था और आप उसे गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर देते हो। सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सपोज कीजिए आपने एक पार्टी से माल परचेस किया, सपोज आपने परचेस किया 10,000 रुपये का आपने गुड्स परचेस किया, और आपने क्या किया है 10,000 के बदले आपने गलती से अपने बुक्स में 1,000 रुपीज़ ही रिकॉर्ड कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, आपने अपने फिगर्स में मिस्टेक कर दिया रिकॉर्ड करने में, 10,000 का आपने गलती से 1,000 रुपये ही रिकॉर्ड कर दिया। या तो आप बोल सकते हो सपोज कीजिए आपको रिकॉर्ड करना था 1,250, लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 1,520। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको फिगर्स में रिकॉर्ड करने में मिस्टेक हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जो आपके फिगर्स है, जो भी आपके अमाउंट है, वो लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने समझा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जो आपके अमाउंट्स है वो लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं। तो ये हमने समझा सबसे पहला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है एरर ऑफ कास्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कास्टिंग का मतलब क्या होता है। कास्टिंग का अगर मैं सिंपल आपको समझाऊँ तो कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या होता है। कास्टिंग का मैंने आपको मतलब समझा दिया, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। तो एरर ऑफ कास्टिंग में क्या होता है, जो भी आपके टोटलिंग मिस्टेक्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपके एरर ऑफ कास्टिंग में आ जाते हैं। सपोज कीजिए आपने पूरे महीने भर में 5 पार्टी को माल बेचा, सपोज कीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं A, B, C, D, E, इन 5 पार्टीज़ को आपने सपोज कीजिए आपने गुड्स बेचा, और सपोज कीजिए हम लोग अमाउंट ले लेते हैं 1,000 रुपये का हर पार्टी को आपने, सपोज कीजिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 1,000 रुपये का आपने सबको माल बेचा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने टोटल पूरे महीने भर में 5 पार्टी को माल बेचा और इसकी टोटल आपकी आती है 5,000 रुपये। तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन है, जो भी आपने सेल्स किए, क्रेडिट में सेल्स किए, जो भी आपने सेल्स किए, ये सारे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। जो आपका सेल्स बुक हमने देखा था, सेल्स बुक आपका कैसा बनता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ पे आपका अमाउंट का फिगर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके जो भी पार्टीज़ है A, B, C, D, E, तो हर पार्टी को आपने जो भी माल बेचा है वो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, और लास्ट में आपका यहाँ पे टोटल आ जाता है। तो यहाँ पे आपने कितने का प्रोडक्ट बेचा, 5,000 रुपये का। लेकिन सपोज कीजिए आपने टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया, सपोज आपने 5,000 का यहाँ पे गलती से आपने अमाउंट डाल दिया 6,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी टोटलिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका आना चाहिए था 5,000 रुपये, लेकिन आपने गलती से आपने 6,000 रुपये लिख दिया, इसका मतलब आपने 1,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया। तो ये क्या हो गया, आपकी टोटलिंग की एरर हो गई। तो जब कभी भी आप कोई अकाउंट्स में, कोई भी लेजर में आप टोटलिंग की मिस्टेक कर देते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। तो यहाँ पे हमने समझा एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब। एरर ऑफ कास्टिंग का सिंपल आपको समझना है कि जब कभी भी आप कोई भी अकाउंट में टोटलिंग का मिस्टेक कर देते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। तो यहाँ पे जनरली दो सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा हमने गलती से 6,000 रुपये लिख दिया, हो सकता है गलती से हम लोग 6,000 की जगह पर हम लोग 4,000 ही लिख दें। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दिया। तो दो सिनेरियोज होंगे, या तो आपने अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दिया, या तो आपने अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अगर हम लोग अमाउंट कम रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अंडर कास्ट, और अगर हम लोग अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर देते तो हम लोग उसे बोलते हैं ओवर कास्ट। तो यहाँ पे हमने देखा दो सिनेरियोज होंगे, अगर आपने अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दिया, आपने टोटलिंग में कम ले लिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंडर कास्ट, और अगर आपने अमाउंट ज़्यादा ले लिया तो उसे हम लोग बोलेंगे ओवर कास्ट। तो ये हमने देखा जनरली दो सिनेरियोज होंगे आपके एरर ऑफ कास्टिंग में। तो यहाँ पे हमने एरर ऑफ ओमिशन में सबसे पहला दो टाइप देख लिया। सबसे पहला था आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग,
फिर दूसरा था आपका एरर ऑफ कास्टिंग। फिर उसके बाद हम लोग एरर ऑफ कमीशन में थर्ड टाइप का एरर देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप का एरर है जिसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग में क्या होता है, जब कभी भी आप कोई अकाउंट्स में आपका जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड में कोई मिस्टेक कर देते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग का एग्जांपल्स लेते हैं और हम लोग समझते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपका बैंक है, सपोज आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ पे बैंक अकाउंट है और आपका 31 मार्च 2021 को आपका बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सपोज कीजिए आपका 31 मार्च को जबकि आपका क्लोजिंग है और उस टाइम पे आपका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 15,000। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 31 मार्च को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था बैंक का वो आपका 15,000 आ रहा था। तो इसी को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जब आप इसे ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ब्रॉड डाउन के समय गलती से 15,000 के जगह पे गलती से आपने 16,000 लिख दिया, गलती से यहाँ पे आपने 16,000 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने गलत अमाउंट लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। जब कभी भी आप बैलेंस कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे आप मिस्टेक कर देते हो, गलत कैरी फॉरवर्ड ले लेते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। जैसे कि हमने देखा कि आपका 15,000 का जो आपका कैरी फॉरवर्डिंग अमाउंट था गलती से आपने 16,000 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे एक एरर हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे हमने देखा थर्ड टाइप ऑफ एरर जिसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ कमीशन में, जिसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। और ये सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे होती है एरर ऑफ पोस्टिंग में। तो एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या क्या सिनेरियोज होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पे होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा होता है आपने कोई रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तीसरा होता है आपने कोई रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। और लास्ट में चौथा होता है आपने कोई एंट्री डबल बार रिकॉर्ड कर दी, या तो बोल सकते हो आपने कोई एंट्री ट्वाइस पोस्टिंग कर दी। तो जनरली एरर ऑफ पोस्टिंग में चार सिनेरियोज आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं रॉन्ग साइड में क्या होता है। सपोज कीजिए आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड में और आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया उसे क्रेडिट साइड में, या तो आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड में और आपने गलती से उसे रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में। तो इसमें क्या होता है, रॉन्ग साइड में क्या होता है, आपने डेबिट का कोई आइटम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया या तो क्रेडिट का कोई आइटम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग साइड में आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये आपके आता है एरर ऑफ पोस्टिंग में। तो सपोज कीजिए एग्जांपल में एक समझता हूँ, एग्जांपल आपने सपोज कीजिए मिस्टर अमित को गुड्स बेचा 10,000 रुपये का, आपने मिस्टर अमित को गुड्स बेचा 10,000 का। तो आपने जब अमित को गुड्स बेचा 10,000 का और ये आपने बेचा ऑन क्रेडिट, तो ये क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, इसे अमित के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अमित का जो अकाउंट बनेगा। और यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स और यहाँ पे हम लोग अमाउंट डालेंगे 10,000 रुपया। लेकिन आपने क्या किया, आपने गलती से ये चीज़ें आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया बाय सेल्स और यहाँ पे आपने अमाउंट डाल दिया 10,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने डेबिट साइड का जो भी आपका आइटम था वो आपने गलती से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने कोई क्रेडिट साइड का आइटम आपने गलती से डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये होता है आपने कोई ट्रांजैक्शन रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर दूसरा होता है आपने कोई रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। सपोज कीजिए आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था, सपोज कीजिए आपको रोहन के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था और आपने गलती से उसे रिकॉर्ड कर दिया सोहन के अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने वो ट्रांजैक्शन को गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, रोहन का अकाउंट में गलती से आपने सोहन का अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। या तो उसे बोल सकते हो आपने कोई ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में लिखना था, गलती से आपने उसे श्याम के अकाउंट में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने कोई गलत अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया जिसे हम लोग बोलते हैं रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रॉन्ग अमाउंट। सपोज कीजिए आपको कोई अमाउंट रिकॉर्ड करना था 1250 और आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 1520। या तो आपको सपोज 1,000 रुपये रिकॉर्ड करना था, आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 10,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डिंग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है डबल और ट्वाइस पोस्टिंग। सपोज कीजिए आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था, आपने 2 बार उस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी को माल बेचा और आपने 2 बार उसके अकाउंट में वो एंट्री पोस्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल पोस्टिंग हो गई या तो ट्वाइस पोस्टिंग हो गई। तो ये भी आपका कहाँ पे आता है, एरर ऑफ पोस्टिंग में आता है। तो यहाँ पे हमने समझा एरर ऑफ पोस्टिंग में चार सिचुएशन होंगे। सबसे पहला होगा आपने कोई ट्रांजैक्शन रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड का आइटम आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, या तो वाइस वर्सा हो सकता है, क्रेडिट साइड का आइटम आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा होता है आपने कोई ट्रांजैक्शन रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने समझा था कोई आप सपोज कीजिए आपने कोई राम का अकाउंट शाम के अकाउंट में डाल दिया, या तो शाम का अकाउंट राम के अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद आपका थर्ड होगा आपने कोई रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। सपोज कीजिए आपने 1,000 रुपये का अमाउंट गलती से 10,000 लिख दिया, या तो उल्टा भी हो सकता है, 10,000 का अमाउंट आपने 1,000 रुपये लिख दिया।
फिर उसके बाद आपका लास्ट में होगा कोई आपने ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड कर दिया तो डबल बार रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे हमने चार अलग अलग कैटेगरीज देखे जो कि आपके एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा आपके एरर्स एरर ऑफ कमीशन में ही आते हैं, जिसमें हमने देखा चार कैटेगरीज। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला होगा आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद होगा आपका एरर ऑफ कास्टिंग, फिर उसके बाद आपका होगा एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, फिर उसके बाद होगा आपका एरर ऑफ पोस्टिंग। तो यहाँ पे ये चार चीज़ें आपके एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरर के बारे में बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ एरर है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, तो जनरली जब कभी हम लोग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ध्यान में रखने होते हैं और फिर हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो और आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायोलेट करते हो, या तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हो और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हो, तो वो कहाँ पे आते हैं, वो सारे एरर्स आपके कहाँ पे आते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल में। इसका मैं यहाँ पे दो एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए इसका दो एग्जांपल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो आप बोल सकते हो ट्रीटिंग कैपिटल आइटम्स एज रेवेन्यू आइटम्स। और दूसरा है यहां पे ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो आप बोल सकते हो ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम्स एज अ कैपिटल आइटम्स। तो यहाँ पे हमने दो सिनेरियो लिया। सबसे पहला हम लोग समझते हैं ट्रीटिंग कैपिटल आइटम्स एज अ रेवेन्यू आइटम, या तो आप बोल सकते हो ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक मशीनरी परचेस किया, 10,000 रुपये का आपने एक मशीनरी परचेस किया, और जब भी आपने मशीनरी परचेस किया तो साथ में आपने क्या किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया। सपोज कीजिए आपने 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, तो टोटल आपने 1,000 रुपये मशीन परचेस के टाइम पे स्पेंड किया। तो यहाँ पे आप बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, आप बुक्स में टोटली आप क्या करोगे, 11,000 रुपये से आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे। तो जब कभी आप कोई फिक्स असेट खरीदते हो तो उस टाइम पे आप जो भी इंसिडेंटल चार्जेस पे करते हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग उस असेट के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो सपोज कीजिए आपने जो 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, आपने उसे गलती से आपने उसे एक्सपेंस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, या तो आप बोल सकते हो उसे आपने सपोज कीजिए आपने उसे रिपेयर्स में डाल दिया गलती से, उसे हम लोग रेवेन्यू आइटम कंसीडर करके अपने रिपेयर्स में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने जो कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर था उसे आपने क्या किया, गलती से एज अ रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, उसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। और आपने क्या किया, खाली मशीनरी का जो अमाउंट है वो खाली आपने 10,000 रुपये डाल दिया। तो आपने क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने देखा कि ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम्स। फिर दूसरा है यहाँ पे ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई मशीनरी के लिए रिपेयर्स के एक्सपेंडिचर इनकर किए। सपोज कीजिए आपने रिपेयर्स 2,500 रुपीज़ आपने मशीन के लिए रिपेयर्स में के लिए खर्चा किया, तो ये क्या हो गया, आपका रिपेयर्स है, ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आप बार बार इनकर करते हो उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने क्या किया, इसे गलती से आपको आपने इसे मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इट टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट। तो ये क्या हो गया, आपने इसे मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो जो कि गलत है। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अकाउंट में डालना है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी आप कोई रेवेन्यू आइटम को ट्रीट कर देते हो एज अ कैपिटल आइटम। तो यहाँ पे हमने देखा एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जब कभी भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो वो सारे एरर्स जो भी आप करते हो तो उसे हम लोग कहाँ ट्रीट करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रीट करते हैं। तो ये हमने देखा दो एग्जांपल। सबसे पहला था आपका ट्रेडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा था आपका ट्रेडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए। फिर उसके बाद हमारा लास्ट एरर है कंपेंसेटिंग एरर। तो ये थोड़ा अलग टाइप का एरर है। इसमें क्या होता है, तो जब कभी भी आप दो या दो से ज़्यादा गलती करते हो और उसका नेट इफेक्ट आपके बुक्स में नील हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये थोड़ा अलग टाइप का एरर है, तो इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए 10 मई को आपने मिस्टर अजय को गुड्स बेचा 5,000 का। तो सबसे पहला हमने देखा कि सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया 10 मई को। सपोज कीजिए आपने मिस्टर अजय को गुड्स सेल किया 5,000 रुपये का और एक क्रेडिट में आपने गुड्स बेचा। आप क्या करोगे, अजय का जब आप अकाउंट बनाओगे, या आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो आप क्या करोगे, आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे 5,000 एज अ सेल्स,
लेकिन गलती से आपने क्या किया, 5000 के जगह पे आपने गलती से इसे 500 लिख दिया, तो आपने क्या किया लेजर में गलती से इसे 5000 के बदले आपने यहाँ पे 500 लिख दिया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, 15 मई को सपोज़ कीजिए आपने मिस्टर अजय को वापस एक बार सेल्स किया गुड्स, मिस्टर अजय को गुड्स सेल किया 500 का, और ये 500 आपने क्या किया गलती से यहाँ पे आपने 15 मई में, ये हो गया आपका 15 मई, ये हो गया आपका 10 मई, तो गलती से आपने क्या किया 15 मई को गलती से आपने ये 500 के अमाउंट को गलती से यहाँ पे 5000 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी आपको 5000 लिखना था तभी आपने गलती से 500 लिख दिया, और जब भी आपको 500 लिखना था तभी आपने गलती से 5000 लिख दिया, तो इसका नेट इफेक्ट आपका नलीफाई हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। या तो इसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपने 15 जून को परचेस किया, 10000 रुपये का आपने गुड्स परचेस किया, और आपने गलती से क्या किया उसे बुक्स में, परचेस बुक में गलती से आपका जो परचेस बुक है, सपोज कीजिए आपका यहाँ परचेस बुक है, आपने परचेस बुक में गलती से उसे क्या किया 10000 के जगह पे आपने 1000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। उसी तरीके से सपोज आपने 20 जून को वापस से आपने गुड्स परचेस किया 1000 रुपये का, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको 1000 रुपये रिकॉर्ड करना था, लेकिन उस टाइम पे आपने क्या किया गलती से इसे 10000 रिकॉर्ड कर दिया। तो जब भी आपको 10000 रिकॉर्ड करना था तो अभी आपने 1000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया, यानी आपने 9000 रुपये अमाउंट से कम रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब आपको 1000 रुपये रिकॉर्ड करने थे तो अभी आपने गलती से 10000 रिकॉर्ड कर दिया, यानी आपने 9000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका नेट इफेक्ट आप देखोगे तो नेट इफेक्ट सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने 9000 रुपये कम रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे आपने 9000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो यहाँ पे इसका नेट इफेक्ट सेम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप दो या दो से ज़्यादा गलती करते हो और उसका नेट इफेक्ट आपके बुक्स में इक्वल हो जाता है या तो नलीफाई हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। जिसका हमने दो एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने देखा था कि एक पार्टी को हमने गुड सेल किया था एक डेट पे 5000 का, हमने गलती से 500 लिख दिया था, और दूसरे डेट पे हमने 500 का सेल्स करके गलती से हमने 5000 लिख दिया था। तो ये हमने समझा कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये यहाँ पे हमने देखा चार तरीके के एरर्स हमने समझे, हर एक एरर हमने समझ लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक बार, हम लोग वापस से टाइप्स ऑफ एरर्स का एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चार तरीके के एरर्स देखे थे। सबसे पहला था एरर ऑफ ओमिशन, जिसपे हम लोग कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट था आपका एरर ऑफ कमीशन, जिसमें हमने देखा था चार अलग अलग एरर्स देखे थे। सबसे पहला था आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जब भी आप रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर देते हो। फिर उसके बाद आपका कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, जिसमें हम लोग टोटली मिस्टेक कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, जब कभी भी आप कैरी फॉरवर्डिंग में मिस्टेक कर देते हो वो आपका एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका था एरर ऑफ पोस्टिंग। फिर उसके बाद हमने थर्ड देखा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब कभी भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हो तो वो सारे एरर्स आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाते हैं। लास्ट में हमने देखा था कंपनसेटिंग एरर्स, जब कभी आप दो या दो से ज़्यादा गलती करते हो जिसका नेट इफेक्ट आपके बुक्स में नलीफाई हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो यहाँ पे हमने चार तरीके के एरर्स देखे और हमने समझा कि किस तरीके के एरर्स होते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे एग्जांपल लेके कैसे हम लोग एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं बुक्स में। सपोज कीजिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, परचेस मशीनरी ऑफ 10000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 1000। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, सिचुएशन लिया, और हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक मशीनरी परचेस किया 10000 रुपये का और हमने उसे गलती से बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया 1000 रुपये ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको 10000 रिकॉर्ड करना था लेकिन हमने गलती से उसे रिकॉर्ड कर दिया 1000 रुपये। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेज होगा कि आपको सबसे पहला रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करनी है, रॉन्ग एंट्री आपने क्या पास की है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे केस में क्या हुआ है, हमने 10000 का मशीनरी गलती से 1000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया, तो इसकी हमने क्या जनरली एंट्री पास की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने मशीनरी परचेस किया 10000 का मशीनरी परचेस किया लेकिन आपने गलती से उसे कितना रिकॉर्ड कर दिया है 1000 रुपीज़ डेबिट में और 1000 रुपीज़ क्रेडिट में। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने देख लिया कि सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, आपको रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करने हैं कि आपने गलत एंट्री क्या पास की है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक बार आपने गलती आइडेंटिफाई की, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी भी हम लोग कोई एरर करते हैं, गलत एंट्री पास करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसकी जो हमने गलत एंट्री पास की उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये जो एंट्री पास की है ये एंट्री गलत एंट्री है, तो इसे हमको बुक से हटाने के लिए क्या करना होगा, इसे रिवर्स करना होगा या तो उल्टा करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, जो भी आपकी एंट्री आपने गलत एंट्री पास की है उसे आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, ताकि ये एंट्री हमारे बुक से हट जाए, इसके इफेक्ट हमारे बुक से हट जाए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेज नंबर टू, जहाँ पे हम लोग
जो भी हमने एंट्री रॉन्ग एंट्री पास की है उसे हमको रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा जो 1000 रुपये का आपने मशीनरी का एंट्री पास किया इसे हमको रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री इसकी पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि जो भी आपने गलत एंट्री पास की है उसे हमको बुक्स में से हटाना है। तो अगर मुझे इसे बुक्स में से हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा, क्योंकि हम लोग एंट्री को डिलीट तो नहीं कर सकते या तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग सबसे पहले रिवर्स करते हैं। तो जब कभी आप इसे रिवर्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मशीनरी डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे आपका कैश डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एंट्रीज नलीफाई हो गई, जो आपने रॉन्ग एंट्री पास किया था उसकी आपने रिवर्स कर दी, तो ये एंट्री हमारे बुक से नलीफाई हो गई। फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेज होगा, आपको करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करना है, इसकी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपया। तो ये होगा आपका करेक्ट एंट्री। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री पास करना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जब कभी भी हम लोग कोई रॉन्ग एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, उस एंट्री को रिवर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं करेक्ट एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके बात करूँ आपके सिलेबस पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग क्या करते हैं ये दोनों जो आपका सेकेंड और थर्ड एंट्री है इसे हम लोग मर्ज करके सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है, इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस टू एंट्रीज हम लोग क्या करेंगे एक ही एंट्री पास करेंगे, हम लोग दो एंट्री पास नहीं करेंगे, एक ही एंट्री पास करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो अगर मैं आपको बात करूँ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में बोलूँ तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू आपका जो रिवर्स एंट्री है, रिवर्स एंट्री प्लस आपका जो करेक्ट एंट्री है, जो आपने करेक्ट एंट्री पास की है। तो जनरली ये आपका क्या होता है, ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको सिंपल समझना है जब जो भी आपने रॉन्ग एंट्री पास की है सबसे पहले आपको उसको रिवर्स करना होगा ताकि वो हमारे बुक्स में से हट जाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा करेक्ट एंट्री पास करना होगा। तो ये जनरली हम लोग क्या करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो आपका रिवर्स एंट्री है और करेक्ट एंट्री इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक ही एंट्री पास करते हैं, इंस्टेड ऑफ हम लोग दो एंट्री के बजाय हम लोग एक ही एंट्री पास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ये दो एंट्री को हम लोग मर्ज कर देंगे और एक ही एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट डेबिट था 1000 रुपीज़ से, और यहाँ पे आपका क्रेडिट था कैश अकाउंट 9000 से, और यहाँ पे आपका मशीनरी 1000 रुपीज़ से डेबिट था, और यहाँ पे आपका मशीनरी 1000 रुपीज़ से क्रेडिट था। तो सबसे पहले बात करते हैं डेबिट के बारे में। यहाँ पे डेबिट में आपका मशीनरी 10,000 था, और यहाँ पे आपका क्रेडिट में मशीनरी 1000 रुपीज़ था। तो इसका नेट इफेक्ट कितना होता है, नेट इफेक्ट कितना होगा 9000। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना होगा आपका 10-1, यहाँ पे आपने 10 का जो एंट्री पास किया 10-1 कितना होगा आपका 9000। फिर उसके बाद आपको यहाँ का क्या करना होगा, कैश का आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश कितना होगा यहाँ पे आपका 10,000 माइनस आपका यहाँ पे 1000, जो आपका क्रेडिट माइनस डेबिट 10,000 माइनस 1000 होगा आपका यहाँ पे 9000। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 9000 टू आपका कैश अकाउंट। तो ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, जो भी आपने रॉन्ग एंट्री पास की उसकी रिवर्स एंट्री प्लस आपका जो करेक्ट एंट्री, ये आपको याद रखना रेक्टिफिकेशन एंट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम लोग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं। आपको सिंपल याद रखना है, जो आपने पहले सबसे पहले आपको रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करना है कि आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है। तो हमने सबसे पहले रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई किया, फिर उस रॉन्ग एंट्री को हमको बुक से हटाने के लिए उसे हमको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो क्या होगा, वो एंट्री हमारी हट जाएगी बुक से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है एग्जाम में कि आपको ये जो दो एंट्रीज है इसे आपको वर्किंग नोट में बनाना है, ना कि आपको इसको फेयर में दिखाना है। आपको ये जो दो है रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री, ये जो भी आपका है आपको इसे रफ वर्किंग नोट में बनाना होगा, और आपको सिर्फ बुक्स में सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होगा। तो ये हमने समझा कि कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपके टेक्स्ट बुक में से एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कैसे हम लोग सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 252 पे एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सन्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफाई देम। तो यहाँ पे कुछ एरर्स दिए गए, इसे हमको रेक्टिफाई करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या क्या एरर्स दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर रुपीज 2000 ऑन क्रेडिट
वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि हमने आर्यन करके एक पर्सन को गुड्स बेचा था 2000 रुपये का क्रेडिट में, और उसे हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो जनरली क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पे आपको यहाँ पे चार अलग अलग कॉलम्स बना लेने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको वर्किंग नोट बनाना होगा जिसमें आपको चार कॉलम्स बनाने होंगे। सबसे पहला होगा आपका रॉन्ग एंट्री, फिर उसके बाद होगा आपका रिवर्स एंट्री, फिर उसके बाद होगा आपका करेक्ट एंट्री, और लास्ट में होगा आपका रेक्टिफाइंग एंट्री। तो यहाँ पे आपको चार कॉलम्स बनाने हैं। जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि आपको चार एंट्रीज पास करने होंगे। सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी रॉन्ग एंट्रीज क्या है, उसे आपको फिर रिवर्स करना होगा नेक्स्ट स्टेज में, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में हम लोग करेक्ट एंट्री पास करते हैं, और लास्ट स्टेज में फोर्थ एंट्री जो कि होगा आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो कि आपका रिवर्स एंट्री प्लस आपका जो करेक्ट एंट्री, दोनों को मर्ज करके वो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग चार कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहला होगा रॉन्ग एंट्री का, दूसरा होगा आपका रिवर्स एंट्री, तीसरा होगा आपका करेक्ट एंट्री, और लास्ट में होगा आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसे एक एक करके। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है गुड सोल्ड टू आर्यन ऑफ रुपीज 2000 ऑन क्रेडिट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने गुड्स बेचा है और इसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या होगा, आपका एरर ऑफ ओमिशन, और इसमें आपका क्या एरर ऑफ ओमिशन में भी आपका कंप्लीट ओमिशन हो गया। तो अभी हम लोग इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला होगा आपको आइडेंटिफाई करना होगा रॉन्ग एंट्री। तो हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में हमने एंट्री पास ही नहीं की है, तो इस केस में हमारी रॉन्ग एंट्री तो कुछ भी नहीं आएगी। दूसरी होगी आपकी रिवर्स एंट्री, क्योंकि एंट्री नहीं है तो आपकी उसकी रिवर्स एंट्री भी कुछ भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद होगा आपका करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, उसकी करेक्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे, तो आपकी करेक्ट एंट्री यहाँ पे आएगी आर्यन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आर्यन को आपने सेल्स किया है, टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्यन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 2000 और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 2000। तो ये हो गया आपका करेक्ट एंट्री, और उसके बाद होगा आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, आपका 2+3 जो कि आपका रिवर्स एंट्री प्लस आपका करेक्ट एंट्री होगा। तो जैसे कि रिवर्स एंट्री कुछ भी नहीं है तो सेम आपकी करेक्ट एंट्री ही यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी आर्यन अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स अकाउंट 2000। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहला ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग ले लेते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या दिया गया है, दूसरा ट्रांजेक्शन में दिया गया है अन अमाउंट ऑफ ₹600 पेड फॉर रिपेयर्स टू द मशीनरी स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू द मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ₹600 का एक रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर इनकर किया है मशीनरी के लिए, और गलती से हमने उसे क्या किया है, मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि आपने जो रिपेयर्स के लिए खर्चा किए उसे आपने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया है, या तो आप बोल सकते हैं मशीनरी में ऐड कर दिया है। तो इसे हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपका रॉन्ग एंट्री क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको रॉन्ग एंट्री यहाँ पे पास करना है। रॉन्ग एंट्री क्या है, यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट, आपका अमाउंट है 600 टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 600। तो ये हो गया आपकी रॉन्ग एंट्री, जो कि हमने ऑलरेडी रॉन्ग एंट्री पास कर दी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, उस एंट्री को हम लोग रिवर्स करेंगे ताकि उसकी इफेक्ट हमारे बुक से हट जाए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, इसकी रिवर्स करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 600। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेज होगा जहाँ पे हम लोग करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करके पास करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि ये हमने रिपेयर्स के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो ये क्या होगा, आपका रिपेयर्स आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो ये क्या होगा, आपकी इसकी एंट्री आएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 600। फिर उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, आपका रिवर्स एंट्री प्लस आपका करेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को आपको ऐड करके जो भी आपका बनेगा वो होगा आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 600 यहाँ पे आपका डेबिट है और 600 यहाँ पे आपका क्रेडिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा आपका रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 600 टू आपका मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 600। तो इस तरीके से हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी पास कर दी है। तो ये हमने सेकंड एंट्री की भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी है। फिर अभी हम बात करते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में दिया गया है सैलरीज ऑफ ₹2500 पेड टू श्रीकांत वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने सैलरी पे किया है श्रीकांत को ₹2500 का, तो हमने क्या किया, गलती से इसके पर्सनल अकाउंट में इसे हमने ट्रांसफर कर दिया है।
तो इसकी सबसे पहले हमको क्या करने की, रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करनी होगी। तो जैसे कि हमने सैलरी दिया है और हमने गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो यहाँ पे आपका एंट्री आएगा श्रीकांत अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया सैलरी के अकाउंट के बदले में 2500 टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 2500। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे। रिवर्स एंट्री होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू श्रीकांत अकाउंट 2500। तो ये होगा आपकी रिवर्स एंट्री, जो भी हमने रॉन्ग एंट्री पास की उसकी रिवर्सल एंट्री। फिर उसके बाद होगा आपका करेक्ट एंट्री। इसकी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, आपने सैलरी पे किया है तो सैलरी क्या है, आपका खर्चा है, तो आपका डेबिट क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट एंट्री में क्या आएगा, करेक्ट एंट्री में आएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश में पे किया है। तो ये हो गया आपका करेक्ट एंट्री। फिर अभी हम बात करेंगे हमारे रेक्टिफिकेशन एंट्री की, तो जो कि होगा आपका रिवर्स एंट्री प्लस आपका करेक्ट एंट्री। तो रिवर्स एंट्री में क्या है, यहाँ पे कैश यहाँ पे डेबिट में है 2500 और यहाँ पे आपका कैश क्रेडिट में है, तो यहाँ पे कैश और कैश दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 2500 टू श्रीकांत अकाउंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, तीनों एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने पास कर दी है। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला आपने वर्किंग नोट बना लिया है। वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आई है उसे आपको जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में आपको पोस्टिंग कर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना होगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन का यहाँ पे नाम दिया गया है, इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सन्स, अनिल एंड सन्स एंड सन्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना है, आपका दो कॉलम आ जाएगा यहाँ पे आपका दो कॉलम आ जाएगा। सबसे पहला होगा आपका यहाँ पे डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, और यहाँ पे आपका LF का कॉलम, LF, और यहाँ पे आपका डेबिट कॉलम, डेबिट अमाउंट रुपीज़, और यहाँ पे क्रेडिट का आपका अमाउंट रुपीज़। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको, ये जो भी आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज है, ये भी जो भी आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, जर्नल प्रॉपर में पोस्ट कर देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सारी एंट्रीज यहाँ पे पास कर देंगे। सबसे पहला एंट्री था हमारा आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री आएगा आपका आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपली आपको क्या करना है, ये सारी जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी आई है, इसे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर के फॉर्मेट में हम लोग इसे पोस्ट कर देते हैं। तो एक बार आपका ये स्टेप हो जाता है तो ये आपका सिंपल एकदम खाली आपको यहाँ पे पोस्टिंग का काम बच जाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2000 और फिर यहाँ पे आपको 2000 और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है, यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है, बीइंग सेल ऑफ गुड्स टू आर्यन, सेल ऑफ गुड्स टू आर्यन ओमिटेड रिकॉर्डेड नाउ। तो ये हो गया सबसे पहला एंट्री हमने पास कर दिया और उसकी नरेशन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री था आपका जो हमने रिपेयर्स के लिए हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू आपका मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट था आपका 600, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 600 और यहाँ पे भी आपका अमाउंट आ जाएगा 600। और फिर यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है, बीइंग रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट रेक्टिफाइड नाउ। तो ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री भी हमने पास कर दिया है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड एंट्री था हमारा जो कि हमने सैलरी पे किया था। तो यहाँ पे आपको थर्ड एंट्री यहाँ पे पास करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट और यहाँ पे आपका अमाउंट था 2500, यहाँ पे आपका डेबिट में 2500, क्रेडिट में 2500। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लास्ट में टोटल कर देना है और यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है, यहाँ पे लिखना है बीइंग सैलरी पेड टू श्रीकांत रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड नाउ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है,
ये सारे जनरल एंट्रीज पास करने हैं। तो ये हमने देखा, सबसे पहला हमने एक सिचुएशन एग्जांपल लिया और समझा कि कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेना होगा जहाँ पे आपको चार कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहला होगा आपका यहाँ पे रॉन्ग एंट्री का कॉलम, फिर रिवर्स एंट्री का कॉलम, फिर करेक्ट एंट्री का कॉलम और फिर आपका लास्ट में होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कॉलम वर्किंग नोट बना लेना होगा और लास्ट में आपका जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा उसको आपको जनरल एंट्रीज में पोस्टिंग करना है, उसे आपको जनरल एंट्रीज में पास करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन भी लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा कि कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन के सम सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब समझा। यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा कि कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे वन साइडेड एरर के बारे में पढ़ेंगे, टू साइडेड एरर्स क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होप सो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जरूर लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।